हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बिल्कुल पैक हो खा के जा रहे हैं मार्केट की तरफ को। कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो इसलिए जा रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट रोड में पहुंचने वाले हैं। सामने गाड़ियां चल रही है, वहां पे रोड है। वो तो मेरे साथ में है मेरी छोटी बहन जो कि लगती नहीं है, सब इसको बोलते हैं कि ये बड़ी बहन है। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को मार्केट में जाके। हम लोगों को हॉस्पिटल में कुछ काम था तो हम हॉस्पिटल आए हुए हैं अभी। ये क्या है? कमल की फूल है शायद। फूल तो नहीं आए हैं पर कमल की पत्तियां दिखाई दे रही है इसमें। हॉस्पिटल महाराज अग्रसेन भवन। सब हो गया, कुछ छोटा तो नहीं? चलो फिर चलते हैं। तो गाइज, हम मार्केट गए थे, मार्केट से अब आ गए हैं रिलायंस मॉल में। हम लोग आ चुके हैं घर में। हमें थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमारा मार्केट का काम भी था, उसके बाद हम लोग रिलायंस गए थे, वहाँ का काम किया था, वहाँ का कुछ सामान था हमारा एक्सचेंज करना था, वो एक्सचेंज किया था। तो उसके बाद जो है थोड़ा शाम हो गई थी तो हमें गाड़ियाँ नहीं मिली वहाँ से, तो हमने बुकिंग कराई, यहाँ से गाड़ी मंगाई, बुकिंग कराई, फिर आए हम लोग। तो हम लोग अभी पहुँच रहे हैं घर पर। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा खाने पीने की चीज़ें लाए थे, ये वाला बिस्किट भी लेके आए थे तो बच्चे खा रहे हैं। तो मम्मी जो है खाना पीना बना रही है, सब्जी, दो प्रकार की सब्जी बना रखी है मम्मी ने। तो अब शाम हो गई है, रात हो गई है। यहाँ पे बहनों अपने पैरों की पायल देख रही है। आज मैंने अपने लिए नए पायल लाई थी, मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर पायल चेक कर रही थी, बहुत सुंदर लग रही है पायल, सिंपल सी। अभी मम्मी को दिखा रही है मम्मी उसी की ये पायल लाई हूँ करके।
और मम्मी यहाँ पर हीटर में लहसुन छिलते हुए बैठी है। मम्मी यहाँ पे ये मेरी चेलू, ये मेरा मौलू। हेलो बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो बच्चा, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो। टू चाहिए उसको, टू टू चाहिए। अभी देते हैं आपको टू, टू देते हैं। पहले आप कोई पोएम सुनाओ, सुना दो ना मौलू, फिर आपको वन टू देंगे हम। क्या क्या देंगे आपको? टू देंगे आपको, टू। कितना देंगे आपको बताओ, कितना देंगे आपको बताओ, बताओ फिर क्या क्या देंगे आपको, बताओ कैसे, बताओ बताओ पहले। टू वन, टू वन क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? टू वन, हम लोग ना रिलायंस इसको चेंज करने के लिए गए थे क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी। हमने पहले ऑनलाइन मंगाया था जियो से, मतलब रिलायंस से, तो फिर वैसे वहीं जाके चेंज होता है, तो इसलिए फिर वहां जाके चेंज करके आए थे। केतली पानी गर्म करने वाली, ये 1.5 लीटर की केतली है प्रेस्टीज की, ये देखिए 1.5 लीटर की है। इसको चेंज करने के लिए जाना पड़ा हमें रिलायंस में, बहुत बबाला हो गया। आते समय गाड़ी नहीं मिली तो गाड़ी बुक करा के आनी पड़ी, फिर डबल खर्चा हो गया आज। तो दोस्तों नाइट हो गई है, रात हो गई है। आज मैं अपने लिए ब्लैक सीरम मास्क लेके आई हूँ, प्योर चारकोल वाला। पहली बार ट्राई कर रही हूँ इसको, मैं देखती हूँ क्या रिजल्ट मिलता है। मेरी बेटी देखो पकड़ के खड़ी है वहाँ पे। चलो अब ये मेरे मुंह पे अप्लाई करेंगे 15 मिनट के लिए। इसमें लिखा है कि 15 मिनट के लिए अप्लाई करें, शायद फेस थोड़ा ग्लो करने लगे, पर मेरा तो फिर भी ग्लो नहीं करता है। ये फटेगा जल्दी से, लगा मैं नहीं लगाऊं। तो गाइस मैंने ये लगा लिया है, इसको मैंने 15 मिनट के लिए अप्लाई करना है, 15 मिनट के लिए। देखते हैं आज क्या रिजल्ट मिलता है मुझे इसका, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा स्किन रफ हो जाती है, डल हो जाती है, तो इसमें जो है इसमें सीरम होता है, सीरम फेस को सॉफ्ट बनाता है और टाइट बनाता है स्किन को। पता नहीं क्या क्या बनाता है, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, बस हल्का हल्का ही पता था मुझे। तो मैंने लगा लिया है, 15 मिनट तक इसको अप्लाई करके रख देते हैं। ये देखिए ये वाला था, ये इसको मैं सुलटे कैमरे से दिखाती हूँ आपको, ये वाला मास्क है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। अभी इसको 15 मिनट बाद रिमूव करने के बाद कैसा फील होता है फिर बताती हूँ आप लोगों को। तो गाइस 15 मिनट बाद मैंने निकाल लिया अपने फेस से, बहुत ठंडा हो रहा था। अभी तो मैं ऐसी दिल्ली लग रही हूँ, बिल्कुल कबाड़ी लाल जैसी। ये देखो पूरा उसमें जो था सीरम था ना, तो सीरम की वजह से थोड़ा फेस वो करने लग गया। अब ऐसे ही थोड़ा हल्के हाथों से मसाज करके छोड़ देती हूँ और फिर देखती हूँ सुबह तक कैसा होता है फेस। तो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग बना लिया है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।